नवरात्रि का चतुर्थ दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी माँ कूष्मांडा के पूजन का दिन होता है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य त्रिविध ताप से मुक्त होता है, उसके हृदय को शांति व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देवी कूष्मांडा की कथा से दुर्गा सप्तशती के अनुसार। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सितः कूष्मा कूष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः स अंडे मांस पेशिया मुदर रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। इसका अर्थ है, वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उसी समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी का निवास सूर्य मंडल के मध्य में माना गया है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमशः कमंडलू धनुष बाण कमल का फूल अमृत से भरा कलश चक्र तथा गदा ली हुई हैं। देवी के आठवें हाथ में कमल के फूल का बीज की माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवी की उपासना करते हैं उनके सभी प्रकार के कष्ट रोग शोक का अंत होता है और वे लंबी आयु तथा यश को प्राप्त करते हैं। यह है देवी कूष्मांडा की कथा दुर्गा सप्तशती के अनुसार। नमो नारायण।